बाजी वाह क्या बात है, मैं इसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर मैं बैठ जाऊँ और मेरी जो ना गोद में सहारा कर ये खुद सो जाता है। इसकी कीमत 10 लाख रुपया लगाई जा रही है। घर वाली बीवी इतराज नहीं करती कि अपने बच्चों से ज्यादा तुम बग्गू के साथ रहते हो? इतराज तो करती है, लेकिन हमें बीवी से भी ज्यादा प्यार है। बग्गू को कितना अरसा हो गया पाल रही? 2.5 साल हो चुके हैं, 5 लाख के करीब कह जाते हैं। 80 किलो का सिर्फ सफेद सींगों वाला और हिरनी की आंखों वाला ये जो बच्चा है, इसकी कीमत 10 लाख रुपया लगाई जा रही है। इसको जिस तरह मोहब्बत से इसके मालिक ने रखा हुआ है वो आपको खुद बताते हैं, लेकिन आप उसका रंग देख सकते हैं, उसके सींग देख सकते हैं कि जिस तरह खुद लगाए हो, आर्टिफिशियल सींग लगे हो, और उसकी आंखों का रंग देखें और आंखें किस कदर खूबसूरत हैं। मालिक जो है, इसका व्यापारी जो है, वो इसका 10 लाख मांग रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं इसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अब ईद है, मुझे इसे कुर्बानी के लिए देना पड़ रहा है। भाईजान इतनी मोहब्बत करते हैं तो बेच क्यों रहे हैं, कुर्बानी के लिए क्यों दे रहे हैं? कुर्बानी के लिए, इसे कुर्बानी है ना, कुर्बानी के लिए हमें बेचना पड़ रहा है। कुर्बानी के लिए कितना बच्चा ही था जब पाला था? बच्चे से भी बढ़कर पाला था, बच्चे से भी बढ़कर। इसका खुराक देसी घी, बादाम, चना, अच्छे से अच्छा खाना और जगह रहने के लिए माहौल सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिया करते हैं। अपने बच्चों से भी ज़्यादा इसका? बच्चों से ज़्यादा अपने साथ। ये अगर मैं बैठ जाऊँ और मेरी जो ना गोद में सहारा कर ये खुद सो जाता है और मेरे साथ ऐसे रहता है जैसे कि मेरा बच्चा है, बच्चे से बढ़कर। लेकिन यहाँ आकर हमने इसे नकेल डाली है, रस्सी पाई है कुर्बानी की वजह से, फिर हमने बेचने के लिए खड़ना, लेकिन हमने इसे कभी रस्सी नहीं पाई, ऐसे साथ साथ चलता है जैसे कि मेरा खुद का अपना बच्चा। आप देख सकते हैं कि पीछे के पीछे पूरा मजमा उमड़ आया है सिर्फ इस बच्चे को देखने के लिए। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम हमने प्यार से बग्गू रखा है। बग्गू रखा है। बग्गू को कितना अरसा हो गया पाल रहे हैं? 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल हो गया जी। तो बग्गू जब पैदा हुआ था आपके हवेली में हुआ था? हमारी हवेली में हुआ था। आपकी हवेली में हुआ था जी। तो बग्गू को तब से आपने अपने साथ ही रखा हुआ? जी जी। तो बग्गू को क्या क्या खिलाते हैं इसके अलावा? सबस अच्छे से अच्छा चारा, रोटी, चना, बादाम, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम इसे खाने के लिए देते हैं। तो बग्गू घर वाली बीवी इतराज़ नहीं करती कि अपने बच्चों से ज़्यादा तुम बग्गू के साथ रहते हो? इतराज तो करती है, लेकिन हमें बीवी से भी ज़्यादा प्यार है इसे। अच्छा, बीवी से भी ज्यादा प्यार जी। तो इसकी कीमत आपने 10 लाख रुपया लगा दी जी? जी। तो जो लोग आ रहे हैं, कितना इसकी डिमांड, अब कितना कह रहे हैं? तकरीबन 5 लाख के करीब कह जाते हैं। 5 लाख इसका रेट अभी तक लग गया जी? अच्छा जी, इसका 5 लाख रेट लग गया है। इसके दांत अगर मैं दिखाऊँ, ये धोंदा है कि खीरा है? धोंदा भाई, धोंदा। ये देखे, ये पूरा का पूरा धोंदा है। और आप देख सकते हैं कि मैं पहले देख रहा था कि आप इसे चूम भी नहीं थे जी। जी, चूम रहा था मैं, अभी चूम। हम दिखाया, देखे ना, मैं जब इनको देखा है कि ये बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बाहर जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चे लाए हैं आप टोटल? तकरीबन 400 के करीब लाए हैं। 400 के करीब लाए हैं, तो बाकी 399 बाहर बांधे हुए हैं आपने? जी जी। बाकी सारे बच्चे इन्होंने बाहर बांधे हुए हैं, और ये जो बग्गू है उसको अलहदा बांधा हुआ है कि जो आए इसकी खूबसूरती देख के अंदर आ जाए। किस जगह से लाए हैं इसे? बहावलपुर मंडी जजमान से। तो बग्गू को साथ बैठा के लाए अपनी गाड़ी में? स्पेशल स्पेशल। पक्की बात है? पक्की बात है। ये सारे इतने लोग हैं, ये इसके रखवाले हैं सारे? जी जी साहब, इसके जी भाई, इसके रखवाले हैं हम सारे, इसके रखवाले जी भाई, हम रखवाले हैं। यार बग्गू से सबको ही मोहब्बत है कि सिर्फ आपको है? सबको, सबको, जो भी देख रोड पे जाता है ना, इसे देखता है एक बार, इसके ऊपर ऐसे हाथ फेरता है, ऐसे फेरता है। ये बहुत प्यारा बछड़ा है, इसलिए कि ना ये मारता है, ना ये भागता है, ना कोई ऐसी वैसी हरकत करता। बच्चों ने आपके इतराज़ नहीं किया कि नहीं बेचना, हमने बेचने नहीं देना, अगर बच्चों की भी मोहब्बत इससे? बच्चे तो इतराज करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, कुर्बानी का टाइम है। कुर्बानी के लिए, सुनते इब्राहिमी के लिए इसने जाना है। ये पता नहीं किसके नसीब है और किसके पास जाना है, जो जिसके नसीब में लिखा होगा वो ले जाएगा। 10 लाख से अगर कोई कम लगाए, 8 लगा दे, 7 लगा दे, देखो ये तो नसीब की बात है। हो सकता है जो हमारे साथ लड़के हैं इसका 12 लाख 13 लाख भी मांग लेते हैं, लेकिन मैं इसका खुद 10 लाख। आप इसके मालिक हैं जी? आपको पहचानता है अच्छे से? बहुत अच्छी तरह। कभी ऐसा हुआ कि किसी दूसरे शहर चले गए और पता लगे बग्गू अकेला, बग्गू रो रहा है, वापस आना पड़े? आना पड़ता, हम पहुंच जाते हैं। खाना वैसे किसी और से खा लेता है कि सिर्फ आपके हाथों से खाता है? जो इनके हाथों से खाना खाता है।
खाना और वैसे खाता ही नहीं है। नहीं खाता भाई, मैं खिलाता हूँ, मेरे हाथों का नहीं खाना खाता, इस भाई के हाथों का खाना खाता है ये बग्गू। और ये मेरी बीवी और बच्चे इसे खिलाते तो खा लेता है, लेकिन को बाहर से बंदा आए वो नहीं, ये नहीं खाता। यानी जितनी मर्जी मोहब्बत करते हो सिर्फ आपके बीवी बच्चों से और आपसे जी, इसके अलावा ये खाना नहीं खाता। नहीं खाता। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं सफेद सींगों वाला और हिरन की खूबसूरत आंखों वाला जो बग्गू है, इसकी कीमत 10 लाख रुपया लगा दी है। सगिया मंडी में है, अगर किसी ने खरीदना है तो वो इनसे रब्ता कर सकता है, खरीद सकता है, आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलहदा से बांधा हुआ है और इसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 से 5 व्यापारी सिर्फ स्पेशल इसके लिए खड़े हैं कि इसके साथ लाड मोहब्बत प्यार। और ये देखें, ये चूम भी रहे हैं पीछे लगातार अभी भी नहीं, लेकिन अब आप चूम नहीं रहे अपने बग्गू को, हमारे सामने नहीं आपने चूमा अभी। हम चूमते हैं, चूमते हैं जी, चूम लो, चूम लो, मत दे। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, अल्लाह ताला कबूल करे जी, दे रहे हैं। और ये सारे के सारे आप देखें, इधर भी दिखाओ, ये सारे व्यापारी हैं जो स्पेशल बग्गू के लिए खड़े हुए हैं।